So hello everyone, this is me Sham. Welcome back to my channel again, Custom Mania. So guys, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इंस्टॉलेशन इस LED लाइट को अपनी बाइक में, जो कि हमारे पास है कैफे रेसर, जिसे हमने कन्वर्ट करा है, जो एक्चुअली TVS स्पोर्ट बाइक थी। तो गाइज़, ये वीडियो मैं दूसरी बार अपलोड कर रहा हूँ, इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई थी, क्योंकि उसमें जो म्यूज़िक यूज़ करा था वो पहले से ही प्री ओन्ड म्यूज़िक था और मुझे पता नहीं था। वैसे आप देख सकते हो, यूनो मिंडा की लाइट है और काफ़ी अच्छी लाइट है। इसके अंदर मैं बता दूँ, हमें इसमें से सिर्फ और सिर्फ इसका फ्रेम रिक्वायर होगा, तो मैं आपको इसका फ्रेम खोल के कब दिखा दूँगा पूरा कैसा है। तो वैसे चलिए खोलते हैं इसका फ्रेम और देखते हैं कैसा है, फ्रेम मिलता है इसके अंदर। तो गाइज़, हमें ये इसके अंदर लाइट मिलती है, बाकी कुछ इसके नट्स मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता है लाइट के अलावा। तो आप देख सकते हो, मैं इसको धीरे धीरे खोल रहा हूँ और ये इसका हमें सिर्फ बैक पोर्शन की रिक्वायरमेंट है, ये जो अंदर का फ्रेम है वो नहीं चाहिए हमें। तो सिर्फ साइड से क्रोम और पीछे का ब्लैक वाला पोर्शन आप देख सकते हो, हमें सिर्फ यही चाहिए इसके लिए। और अगर आप चाहो तो इसे भी अपनी बाइक में इंस्टॉल कर सकते हो, ये भी कैफे रेसर का लुक देता है, पर ये अगर आपका बजट थोड़ा डाउन है उसके लिए आप तब तो एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। अदरवाइज़ इसमें अगर आप बुलेट वाली लाइट या जो आपकी थार में भी लगती है वो लाइट यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा आपकी बाइक में लुक आने वाला है। तो देख सकते हो गाइस, इसके मैं थोड़े बहुत आपको समझा दूँ, ये आपकी पार्किंग का और ये आपकी मेन हेडलाइट के स्विचेस होते हैं। अगर आप चाहो तो इसे आप अपनी बाइक में इंस्टॉल कर सकते हो, थोड़े बहुत अल्टरनेशन करके, थोड़े बहुत चेंजेस करके। तो आप देख लिया, अब हम अपनी जो हमारे पास दूसरी LED लाइट है उसे खोल के देखेंगे वो कैसी लाइट है और उसका कैसा वर्क होता है। तो फिलहाल इसके अंदर आप देख सकते हो, हमें थोड़े नट्स मिल जाते हैं जो कि हमारे इंस्टॉलेशन में काम आने वाले हैं। तो हम इसे रख देते हैं साइड में और इन नट्स को भी अभी हम साइड रखते हैं। फिलहाल मैं बता दूँ इसमें क्या क्या है। इसमें आप देख सकते हो, दो क्लिप्स मिलती हैं हमें और ये क्लिप्स सीधे हमारी हेडलाइट के पीछे लग जाएंगी, जिससे हमारी हेडलाइट को एक सपोर्ट मिल जाएगा अंदर से। तो वैसे ये वाली LED आप देख सकते हो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको ख़रीद सकते हो। ये मैंने एक लोकल स्टोर से परचेज़ करी थी, अप्रॉक्स मुझे 800 के आसपास मिली थी और मेरा ख्याल है ऑनलाइन में भी आपको ये अप्रॉक्स 1000 से नीचे या 1000 की रेंज में मिल जाएगी। तो वैसे आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया LED लगती है ये, और ये कोई पहली बात, ये कोई ब्रांड की LED नहीं है, जस्ट कह सकते हो आप लोकल LED है, पर इसका वर्क बहुत अच्छा है क्योंकि मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ इसको। तो अब इसको खोलते हैं और देखते हैं कैसी LED का लुक आता है। तो इसके अंदर जस्ट थोड़ी बहुत बेसिक सी पैकेजिंग है, ये पैकेजिंग मुझे पहले ही मिली थी पर मैंने इसको यूज़ कर लिया, थोड़ा चला चलू के देखा है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो में कि आप इसको रात में यूज़ करो या नहीं करो। तो इसके अंदर शीट हटाते हैं, जो फोम की शीट है, तो ये अपने पास, तो ये हमें LED इसके अंदर मिलती है। तो गाइस आप देख सकते हो, बहुत अच्छी LED लगती है अगर आप पूरी अपनी बाइक में अच्छे से इंस्टॉल कर लेते हो। इसके अंदर मैं आपको पूरी चीज़ें समझा देता हूँ क्या क्या मिलती है। तो गाइस इसकी साइड में आप देख सकते हो और पीछे देख सकते हो, एक हीट रेजिस्टेंट मेटल यूज़ करा गया है जिससे एकदम हीट नहीं होती है। और ये साइड में रिंग लाइट है जो आपका इंडिकेटर प्लस DRL का काम भी करती है, यानी कि येलो और वाइट लाइट भी चलती है। साइड में ही आपको दो लाइट्स मिल जाएंगी जो आपकी ऑन रहती हैं, और ये हाई बीम और लो बीम के दो प्रोजेक्टर टाइप में मिलते हैं। और पीछे इसके स्विचेस में आपको बताता हूँ, तो गाइस ये सीधे H4 जो आपका सॉकेट होता है उसमें इंस्टॉल हो जाएगा आराम से। देख सकते हो आप, 3 पिन्स हैं, ये सीधे H4 सॉकेट में इंस्टॉल हो जाएगा जो आपकी बाइक का रहता है। इसमें कोई आपको ऑल्टरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत पार्किंग के लिए आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हो, दो पार्किंग की लाइट्स हमें मिल जाती हैं। तो गाइस इसको इंस्टॉल करना बहुत सिंपल है, आप सीधे अपनी बाइक में इसको लगा सकते हो। पार्किंग के लिए भी आपको थोड़ा बहुत ही चेंजेस करने होंगे, ज़्यादा चेंजेस नहीं करने होंगे। तो गाइस ये लाइट कुछ कुछ रीजंस में लीगल है और कहीं कहीं इलीगल है, तो आप थोड़ा सोच समझ के ही इंस्टॉल करिएगा, क्योंकि बाइक मॉडिफिकेशन आजकल की डेट के हिसाब से 100% इलीगल हो गए, प्लस जो चलान है वो बहुत ज़्यादा हाई रेट में है। तो आप ये देख सकते हो, दोनों लाइट को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली जो ये वाली लाइट है काफ़ी अच्छी लाइट है, ये डिसेंट लुक देती है बाइक को, और हमें वैसे भी इसका सिर्फ फ्रेम चाहिए, जो आप देख सकते हो, ये हम इसके जो ये नट हैं इनको जब ओपन कर लेंगे तो ये पूरी लाइट अपनी बाहर आ जाएगी और हम जो हमारे पास LED है हम उसे इसमें सीधे सीधे इंस्टॉल कर लेंगे। सो गाइस अब बिना किसी देरी के चलिए अब हम इसको खोलते हैं और इसके अंदर अपनी वाली LED को फिट कर देते हैं।
तो गाइज़ आप देख सकते हो मैंने पूरा फ्रेम निकाल लिया है। हमें इसी ब्लैक फ्रेम की ज़रूरत पड़ेगी अपनी बाइक में इस LED को इंस्टॉल करने के लिए। तो गाइज़ आप देख सकते हो इसके साइड में लॉक्स होते हैं जो आप ये देख सकते हो साइड में दिख रहे होंगे। ये हम लॉक्स निकालेंगे और ये लॉक्स को निकालने के बाद ये फ्रेम जो है सिल्वर क्रोम फ्रेम जो है वो बाहर के साइड में निकल जाएगा और इसके जो नॉर्मल हेलोजन बल्ब की फिटिंग वाली लाइट हमें मिलती है वो लाइट निकल जाएगी। तो फटाफट हम इसके नट्स को यानी कि जो इसके होल्डर या क्लिप्स हैं उनको खोल लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो ये खुल चुका है और इसका फ्रेम अलग हो चुका है। तो अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम इसमें सीधे अपनी जो LED है उसे इंस्टॉल कर देंगे। फ्रेम काफ़ी अच्छा है, फ्रेम हैवी है और पूरी लाइट को आराम से झेल लेगा। तो ये अपने पास LED आती है, हम इसको सीधे लगाते हैं। आप चाहो तो इसमें से इसकी जो फिल्म है या पिन्नी है वो आप निकाल सकते हो, पर मैंने अभी इसमें नहीं निकाली है उसके। तो गाइज़ अपने पास जो ये ब्लैक वाला पोर्शन था इसमें मैंने हॉर्न क्लिप्स लगा लिए हैं। हॉर्न क्लिप्स आपको मार्केट में अवेलेबल होगी, अगर किसी कारण नहीं मिल पा रही है, आप नहीं जा पा रहे हो, तो मैं आपको ऑनलाइन लिंक भी दे दूंगा, वहां से जाके इसे ज़रूर ख़रीद सकते हो। और अब हम इस लाइट को फिक्स करते हैं। अब सीधे सीधे इसमें हमें नट को टाइट करना है और हमारी लाइट पूरी रेडी हो जाएगी। उसके बाद हम इस लाइट को अपनी बाइक में फिक्स कर लेंगे और मैं आपको पूरा एक ओवरऑल व्यू भी दिखा दूंगा सब कुछ। देख सकते हो अभी सुबह हो रही है अप्रॉक्स, मैं जल्दी उठ गया था और मैंने कहा लाइट एक बार सुबह पे टेस्ट करें कैसी हमारी लाइट जलती है। तो अभी आप टाइम देख सकते हो 4:38 यानी कि 4:38 हो रहे हैं और बहुत जल्दी उठ गया हूँ मैं आज। और अभी गाइज इसमें थोड़ा पेट्रोल डालते हैं क्योंकि इसका पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म था, बहुत टाइम से गाड़ी खड़ी थी, तो थोड़ा बहुत पेट्रोल है, पेट्रोल पम्प तक चले जाएगी तो अच्छा है। तो गाइज पेट्रोल अपना डल चुका है और अब हम लाइट को टेस्ट करने वाले हैं बिल्कुल बढ़िया करके।
तो गाइस अभी हम आगे टेस्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है लाइट जल रही है। और एक बात बताता हूँ गाइस, जैसा मैंने इसको सोचा था ये वैसा वर्क नहीं कर रही है सुबह सुबह, क्योंकि मुझे लगा था बहुत ब्राइट वर्क करेगी, पर ऐसा नहीं है। पर इतना है कि थोड़ा विजिबल है, देख सकते हो आप। अभी गाइस इसमें एक दिक्कत और आ गई है, इसकी एक ही बीम सेट हुई है, दूसरी बीम जल ही नहीं रही, यानी कि इसकी सिर्फ हाई बीम जल रही है, लो बीम काम कर ही नहीं रही है। तो यार ये शायद से मुझसे ही गलती हुई है या फिर ये इसका डिफेक्ट है। तो आप देख लो ये अपनी हाई बीम है। तो गाइस मैं पहली बार मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो शायद आपको अच्छा लगे। तो गाइस अब क्या करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं और इस लाइट को थोड़ा और टेस्ट करेंगे। अभी थोड़ा एक गली ऐसी है आप देख सकते हो, पर गाइस जैसे इसका रिस्पॉन्स है ना उतना बढ़िया मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि यार ये लाइट को मैंने बहुत सोचा था कि इसकी लाइट अच्छी आएगी, क्योंकि मैंने बहुत कार्स में भी देखा था, इवन थार बुलेट उन सब में बहुत अच्छा वर्क कर रही थी, पर यार ये उतनी अच्छी लाइट नहीं है, खासकर अंधेरे में बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही है अच्छा। थोड़ा बहुत दिख रहा है पर जैसे कि अगर आप रोड देखोगे तो रोड बिल्कुल गायब हो चुकी है, मतलब लाइट रोड में नहीं पड़ रही है, सीधे पड़ रही है। देखिए आप, थोड़ा बहुत दिख रहा है, बस उतना नहीं दिख रहा जितना मैंने एक्सेप्ट करा था। क्या पता मेरी लाइट थोड़ी ऊपर नीचे एडजस्ट नहीं हुई है, पर फिर भी गाइस थोड़ा बहुत तो इशू लग रहा है, क्योंकि जो कंपनी की लाइट थी वो काफ़ी हद तक ब्राइट थी। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन पाते रहने के लिए तो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस।